हाउ टू डिस्प्ले फाइल इंफॉर्मेशन यूजिंग जावा। तो आज लेके हम किसी भी फाइल का लेके इंफॉर्मेशन प्रिंट करने वाले अंदर कंसोल, तो जावा प्रोग्राम करने वाले। लेकिन ये प्रोग्राम करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे फाइल क्लास के। तो कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिए इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ फाइल क्लास। तो फर्स्ट मेथड है, दैट इज द कैन रीड मेथड। तो कैन रीड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज द बुलियन रिटर्न टाइप। तो ये मेथड किस पर्पज के लिए, दिस मेथड इज यूज टू चेक वेदर वी कैन रीड द डाटा ऑफ द फाइल और नॉट। हम किसी भी फाइल का लेकर डाटा रीड कर सकते हैं या नहीं रीड कर सकते, यानी कि हमें रिटर्न करेगा। तो अगर रीड कर सकते तो मेथड रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। देन सेकंड मेथड इज कैन राइट मेथड। ये कैन राइट मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। इसका पर्पज क्या है, दिस मेथड इज यूज टू चेक वेदर वी कैन राइट द डाटा इनटू द फाइल और नॉट। किसी भी फाइल में हमने क्या, उस फाइल में हमने क्या डाटा राइट कर सकते हैं कि नहीं, ये मेथड बताएगा। अगर राइट कर सकते तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड क्या है, गेट नेम मेथड। और गेट नेम मेथड किस पर्पज के लिए, तो उस फाइल का नेम प्रिंट करेगा, ठीक है, नेम देगा हमको, ठीक है। तो उसका रिटर्न टाइप इज द स्ट्रिंग। देन उसके बाद के नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड इज द गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो गेट एब्सोल्यूट पाथ मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये मेथड किस पर्पज के लिए, जहां पे हमारी फाइल प्रेजेंट है उसका कंप्लीट पाथ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू गेट द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल। एक नेक्स्ट मेथड द पब्लिक लॉन्ग लेंथ, ठीक है, मेथड नेम इज द लेंथ, रिटर्न टाइप इज द लॉन्ग। तो ये मेथड क्या बताएगा कि दिस मेथड इज यूज टू गेट द साइज ऑफ द फाइल इन द बाइट्स, ठीक है, बाइट्स में हमें लेके क्या फाइल की साइज बताएगा। देखते हैं हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम एडिट प्लस ओपन कर लेते हैं, देन फाइल न्यू देन जावा। तो क्लास टेस्ट, देन मैंने क्या फाइल क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट java.io.file सेमीकोलन। नेक्स्ट देखिए क्या क्या करते हैं। तो हमने क्या क्या डी ड्राइव में हमारे फाइल हैंडलिंग फोल्डर में और एबीसी फोल्डर में, ठीक है, तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग फोल्डर और एबीसी फोल्डर, देर इज अ डेमो फाइल। तो इस फाइल का हमें क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो यह हमारा काम है, एडिट प्लस ओपन हो गया। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट फाइल एफ इक्वल टू न्यू फाइल, और इस फाइल का यहाँ पे नहीं क्या लोकेशन पास कर रहे थे, एबीसी और demo.pdf। इस तरह से हमने फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन अभी क्या करेंगे कि हम चेक भी कर लेते हैं कि फाइल प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ फाइल है कि नहीं। तो इसलिए कौन से एग्जिस्ट मेथड कीजिए फाइल और फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट पे। तो यानी कि अगर एग्जिस्ट होगा तो ये सभी इंफॉर्मेशन आना चाहिए, अदरवाइज एल्स अगर एग्जिस्ट मेथड रिटर्न फॉल्स करता है तो क्या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करके क्या हमें मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, और यहाँ पे हमें मैसेज पास कर देते हैं द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मैसेज प्रोवाइड कर दिया। अगर फाइल नहीं होंगी तो ये मेथड क्या है, एफ डॉट एग्जिस्ट मेथड क्या चेक करेगा, फाइल प्रेजेंट है कि अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट करती कि नहीं ये चेक करेगा। अगर करती है तो ई ब्लॉक एग्जिट होगा, अगर नहीं है फाइल तो नहीं क्या ये मैसेज करेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, गेटिंग द नेम ऑफ द फाइल, गेटिंग कमेंट कर देता हूँ, गेटिंग द नेम ऑफ फाइल। तो कैसे पाते देखिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, ओके, देन यहाँ पे हम प्रिंट करें क्या करेंगे, देखिए द नेम ऑफ द फाइल, द नेम ऑफ द फाइल इज, इस तरह से हमने क्या कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं, फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट पे गेट नेम मेथड कॉल कर लेते हैं, तो दैट में क्या हमें क्या नेम मिल जाए, ओके। तो इस तरह से हम गेट नेम मेथड कॉल कर लिए इन सेंड कर। देन सेकंड कमेंट कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल चाहिए, तो क्या गेटिंग पाथ ऑफ द फाइल। तो कैसे पाते देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, और यहाँ पे हम मैसेज प्रोवाइड करते हैं द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल, ठीक है, द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल, इस तरह से दे, ठीक है। तो आप पाथ क्या देखिए,
यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल का एक्सेस कौन से मेथड का करना पड़ेगा, गेट एब्सोल्यूट, ठीक है, गेट एब्सोल्यूट पाथ मेथड हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करना है, हमें चेक करना है कि फाइल रीडेबल है या नहीं, ठीक है। तो चेकिंग वेदर द फाइल इज रीडेबल और नॉट, रीडेबल और नॉट, तो कैसे चेक करते देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, कैन रीड, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम मैसेज पास करते हैं क्या, इज फाइल रीडेबल, इज फाइल रीडेबल, इस तरह से क्वेश्चन मार्क एंड डबल को, तो यहाँ पे हम कॉन्कैटेनेशन से क्या करेंगे, एफ डॉट कौन सी मेथड कॉल करेंगे, कैन रीड मेथड कॉल करेंगे, तो इस तरह से हम मेथड कॉल करेंगे। देन नेक्स्ट क्या रह गया, चेकिंग फाइल ने क्या, चेकिंग वेदर वेदर द फाइल इज क्या राइटेबल, राइटेबल है कि नहीं, राइटेबल और नॉट, तो कैसे करेंगे हम इसको, कौन सी मेथड कॉल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, और यहाँ पर हम मैसेज प्रोवाइड करते हैं इज फाइल राइटेबल, राइटेबल, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्या, डबल कोट, और यहाँ पे हम कौन सी मेथड कॉल करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कैन राइट मेथड, ओके, तो इस तरह से मेथड कॉल करेंगे तो सोने के हमें ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि लेंथ ऑफ द फाइल, तो हमें यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं गेटिंग गेटिंग क्या द लेंथ ऑफ द फाइल, लेंथ ऑफ द फाइल इन बाइट, तो कैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स इज, और यहाँ पे हम डबल कोट और कॉन्कैटेनेशन करेंगे, कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा फाइल के ऑब्जेक्ट पे, लेंथ मेथड कॉल करना पड़ेगा, इस तरह से लेंथ मेथड कॉल कर लेते हैं। देन तो हमारा लेके ये जो हमने सभी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे कौन सी फाइल के ऑब्जेक्ट पे गेट नेम मेथड कॉल किया तो फाइल का नेम प्रिंट होगा, तो ये हमने इसीलिए अच्छे से दिखना चाहिए इसलिए कि आप आगे पीने के मैसेज कर लिया है द नेम ऑफ द फाइल इज, और जो भी फाइल का नाम आएगा वो, देन फाइल का कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ, देन ने क्या फाइल रीडेबल है या नहीं, देन फाइल राइटेबल है या नहीं, और देन क्या लेंथ ऑफ द फाइल, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। देन इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, काम करने वाले डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग फोल्डर में, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ टेस्ट डॉट जावा, ओके, हमारा प्रोग्राम होगा। तो मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, तो डी ड्राइव सी डी फाइल हैंडलिंग, ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी, तो देखते हैं इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली, नेक्स्ट क्या जावा टेस्ट, देखिए दोस्तों हमें क्या पे आ गया, द नेम ऑफ द फाइल इज क्या बोल रहा है, डेमो डॉट पी डी एफ, देन नेक्स्ट क्या द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल इज क्या, कंप्लीट पाथ आ गया कहाँ पे, डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग फोल्डर में और एबीसी फोल्डर है, और देन फाइल नेम इज डेमो डॉट पी डी एफ, नेक्स्ट ये डेमो डॉट पी डी एफ इज रीडेबल है क्या, इज फाइल रीडेबल, तो यस ट्रू, देन इज फाइल राइटेबल ट्रू, द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट इज कितना है, ये जो इतने बाइट, तो इस तरह से हमने किसी भी फाइल करने के क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने हमारे कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग जावा प्रोग्राम। तो ये हमारा हो गया जावा प्रोग्राम, तो देखिए हमारा क्या था, तो हमने ये जो मेथड है ना, ये इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द फाइल क्लास, इनका यूज करके हम किसी भी जावा प्रोग्राम किसी भी मेथड फाइल करने के हम इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे, तो दिस इज द अप्रोच।